हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका जोड़ गाई के इस बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो में। सो आज हम सबसे पहले बात करते हैं मनीष शर्मा यानी कि हाफ इंजीनियर के बारे में। सो बेसिकली इनको एक चीज के लिए सवाल पूछना इनको ही उल्टा पड़ गया है। बेसिकली मनीष शर्मा अभी बॉक्सिंग सीखना स्टार्ट किए हैं और आज उनका डे वन था और डे वन पे ही वो एक रील पोस्ट किए और पोस्ट करने के साथ साथ वो अपने ऑडियंस से एक सवाल किए। तुम्हारे भाई ने बॉक्सिंग शुरू कर दिया जैसा कि तुमने देख ही लिया, अब मेरे को एक काम करो, मेरे को ना कोई मोटिवेशन के लिए कोई ओपोनेंट चाहिए, मेरे को बढ़िया सा ओपोनेंट बताओ जिसके साथ मैं फाइट कर सकूं। रील डाली मैंने अभी थोड़ी देर पहले, उसमें जाकर उसको टैग करो, जो भी कोई है जिससे तुम चाहते हो मैं फाइट करूं, मैं उससे फिर बात करूंगा। उसको मत करना, वो नकल हेड वॉरियर्स, वो बहुत खतरनाक डेंजर आदमी भाई, उससे डर लगता है भाई, वो मर ना जाए। अब हालांकि इसके बाद इनके रील के कमेंट सेक्शन में देखा गया कि बहुत सारे लोगों को टैग किया गया था जिसमें करप्ट यूट्यूबर यानी कि लव कटारिया भी थे, नीरज गोयत एंड और भी कुछ बॉक्सर वगैरह भी थे। बट सबसे मेन बात ये हो गई कि कुछ लोग इनके दोस्त एलबी शादो और जतिन को भी टैग करना शुरू कर दिए। उसके बाद इनका क्या रिएक्शन आया है आप खुद देखो। लास्ट रील पे कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं भाई जतिन के साथ फाइट करो, ज्यादातर यही है, जतिन के साथ फाइट करो या एलविश के साथ फाइट करो। भाई ये दोनों मेरे से छोटे हैं और दोनों भाई हैं, मैं इन पे हाथ कैसे उठाऊंगा यार। एक बात बताओ, कोई बढ़िया ऐसा नाम बताओ ना जिसे मारने में भी मजा आए, मतलब फाइट करने में मजा आए, मारने में क्या फाइट करने में। अब इन ये तो हाथ ही नहीं उठेगा मेरा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रजत लाल के बारे में। सो अभी तक रजत लाल को लेकर जिनको भी डाउट था कि रजत लाल जेल के अंदर है बाहर है या कहाँ पे है, क्योंकि एक तो इनका मेन इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हो गया है और दूसरा है तो वहाँ पे जब ये वीडियो डाल रहे हैं तो कुछ लोग को डाउट हो रहा है कि कहीं ये पुराना वीडियो तो नहीं है। तो अब आपका डाउट एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। यस, आपको बता दें कि आज रजत लाल को एलवी साधो के व्लॉग के अंदर देखा गया जिसके अंदर वो एलवी साधो के साथ में बात कर रहे हैं और ECL T10 मैच जो हो रहा है उसके लिए प्रैक्टिस करने गए हैं। तो बात सिंपल और 100% कंफर्म है कि रजत लाल जेल के अंदर नहीं है, वो बाहर है। अब यहाँ पे ECL की बात हो रही है तो आपको ECL से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दे कि ECL के पेज से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज अनाउंस किया गया है। लाइक इस पोस्टर को आप देख सकते हो जिसमें एक साइड तो रोनाल्डो बैठे हैं और दूसरे साइड एक अनोन पर्सन को बैठाया गया है। अब वो कौन हो सकता है तो आपको बता दे कि ECL टीम ने या मैनेजमेंट ने इसी के नीचे कैप्शन में लिखा है कि विच ECL कैप्टन डू यू वांट टू सी हेयर, यानी कि ECL के किस कैप्टन को आप यहाँ पे बैठे हुए देखना चाहते हैं। अब पता नहीं ये लोग सच में ऐसा करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, लेकिन क्या ऐसा करना पॉसिबल है कि रोनाल्डो के सामने या रोनाल्डो के साथ में एक पॉडकास्ट वीडियो शूट किया जाए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं शिवानी कुमारी के बारे में। सो पिछले कुछ दिन से शिवानी कुमारी अपने इंस्टाग्राम पे रील वगैरह नहीं डाल रही थी जिसकी वजह से उनके फैंस थे उनसे सवाल कर रहे थे कि आप रील वगैरह क्यों नहीं बना पा रही है, क्यों नहीं डाल रही है। सो इसी का रिप्लाई वो स्टोरी में की है, आप खुद देखो। फ्रेंड अब रील कुछ भी नहीं डाल पा रहे अपने अकाउंट पर, बहुत जल्दी रील बने हैं, मेरी थोड़ी तबीयत नहीं सही है, जुखाम बुखार खांसी सर दर्द बहुत तबीयत खराब है, तो आप लोग ऐसे ना बड़बड़ाओ रील नहीं आ रही, हमारी थोड़ी तबीयत जैसे ठीक हो गया वैसे हम रील बनाए डरे हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मितपैट के बारे में। सो मितपैट एक इवेंट पे गए थे जहाँ पे उन्होंने सैमसंग का एक ऐसा टीवी और इतना महंगा टीवी देखा जिसमें वो शाहरुख खान को भी ला सकते हैं। यस, आप खुद देखो। उर्मिला, हम टीवी देखने आए थे, ये क्या है, ये 10 लाख नहीं है, 1 करोड़, 4 लाख का टीवी है सैमसंग सेट, 1 करोड़ का टीवी, 1 करोड़ 5 लाख का। ये टीवी खरीदने के लिए KBC खेलना पड़ेगा रे, फिर भी गारंटी नहीं कि टीवी मिलेगा कि नहीं। ये कितना इंच है, ये 110 इंच है उर्मिला। इसके जगह मैं इस पे शाहरुख खान का पिक्चर देख रहा हूँ, मैं शाहरुख खान को घर पे बुला के बोलूंगा एक्टिंग कर रहे मेरे सामने ही। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं धीरू मोहंची के बारे में। सो बेसिकली धीरू मोहंची कुछ उस टाइप के यूट्यूबर्स या क्रिएटर्स को रोस्ट किए हैं जो कि देखा जाता है कि पौधे वगैरह रोकते हैं और बोलते हैं कि मैं पौधा लगा रहा हूँ, पेड़ लगा रहा हूँ, और इसके वजह से देखा जाता है कि बहुत सारे लोग उन्हें सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं। बट वो ऐसा क्यों करते हैं इसका असली रीजन धीरू मोहंची कुछ ये दिए हैं। भाइयों, ये जो हमारे देसी यूट्यूबर हैं अपने खेतों में पेड़ लगा लेते हैं, ये वीडियो बना लेते हैं, लोग को लगता है यूट्यूबर बहुत बढ़िया काम कर रहा, पेड़ लगाते हैं पॉपुलर लिप्टिस के और वो कट जाएंगे 6-7 साल बाद, पता भी नहीं देखेंगे तुम्हें। रवि, तुम्हें लग रहा है कि वाह 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 यार कितना बढ़िया काम कर रहा है यार हमारा यूट्यूबर। नेक्स्ट बात करते हैं मनीषा रानी के फ्रेंड विशाल सिंह के बारे में। सो बेसिकली विशाल सिंह को कुछ लोग हैं जो कि धमकी वगैरह दे रहे हैं या ऐसे बोल रहे हैं कि इसको जो ढूंढ के लाएगा उसको इनाम देंगे या ऐसा कुछ। इवन कुछ लोग पवन सिंह के बारे में भी बोल रहे थे कि ये पवन सिंह कौन है, ये विशाल सिंह कौन है। सोनी का रिप्लाई विशाल सिंह कुछ ये की है। हां जी, तो बहुत टाइम से देख रहा हूं कि कोई मेरे ऊपर वीडियो बना रहा है, कोई मेरा पोस्टर छपवा रहा है कि विशाल सिंह को जो खोज के लेके आएगा उसको 51,000 रुपए का इनाम मिलेगा, कोई कह रहा है कि तौन है पवन सिंह, तौन है विशाल सिंह, हम ये तल अबे साले हाइट कम फाइट ज्यादा, तेरे पे तो आऊंगा, तो रुक जा रहे छोटू रुक, पहले इनके पापा को लपेटूंगा जिनके वजह से टॉपिक स्टार्ट हुआ, उनके बाद उसके बाद ये लाइन से बेटों का नंबर आएगा,
इन सारे टॉपिक पे मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था, एक महीने से सुन रहा हूँ, सब इग्नोर कर रहा था, सोच रहा था छोड़ो इनको क्या इतना हाइप देना, लेकिन कहते हैं ना जब पानी सर के ऊपर आ जाए तो इंसान को पानी के ऊपर आ जाना चाहिए, बस वही कर रहा हूँ। और लेकिन एक बात और, जब भी वीडियो डालूंगा कमेंट में कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, सब लोग लाइन से प्यार बरसाएंगे, ठीक है? हो सके तो वीडियो आ जाएगा, अगर नहीं हुआ तो कल दोपहर तक पक्का वीडियो आ जाएगा। ओके, सो आज के वीडियो में बस इतना ही, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।